दोस्तों ये है बहराइच शरीफ का दरगाह शरीफ का गेट, बहराइच शरीफ दरगाह शरीफ का गेट है ये। यहाँ से हम लोग अंदर चलेंगे। ये पूरा यहाँ पे जो होटल वोटल हैं, खाने वाने का और सब मिठाई उठाई का भी होटलें हैं यहाँ पे चारों तरफ। अभी तो मतलब मेले का दिन है नहीं, तो इसलिए थोड़ा शांति मतलब हल्की है, नहीं तो गर्दी बहुत काफ़ी रहती है मेले के दिन में, बहुत काफ़ी गर्दी रहती है। इसलिए तो हम लोग शांति के दिन में आए हैं। लगभग 200 किलोमीटर बाइक चला के आ चुके हैं, तो अभी सीधा अंदर चलेंगे दरगाह के अंदर। दरगाह के अंदर का आप लोगों को पूरा नज़ारा दिखाते हैं। दरगाह के अंदर आप लोगों को चलते हैं, पूरा नज़ारा दिखाते हैं हम लोग। तो दोस्तों देखिए, हम लोग गेट के अंदर चल रहे हैं। ये है जंजीरी गेट, इसे जंजीरी गेट कहा जाता है। देखिए किस प्रकार से जंजीर गेट, मतलब कितना सारी जंजीरें लगी हुई हैं, बांधी गई है। तो इसे ये मेन गेट है, इसे जंजीरी गेट कहा जाता है। इसके अंदर से ही दरगाह शरीफ के अंदर जाया जाता है। हम लोग गेट के अंदर आ चुके हैं। गेट के अंदर का ये कुछ ऐसा नज़ारा है। मार्केट में मार्केट लगी हुई है, अपना सिन्नी का सब खिलौने वलौने बिक रहे हैं। तो आप लोगों को दरगाह के अंदर लेके चलते हैं हम। ये दरगाह का गेट जो हजरत सैयद सालार गाजी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह का मजार शरीफ है। तो कैमरे के हिसाब से हमारा मोबाइल थोड़ा लो क्वालिटी का है, तो इस हिसाब से आप लोगों को दिखा रहे हैं, जिसने मैं आप लोगों को पूरा वीडियो दिखा सकें। तो यह है गाजी सरकार के अंदर का वीडियो, लेके चलते हैं अभी गेट के अंदर। ये देखिए गेट के अंदर से हम आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे कभी। तो यह बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है। यहाँ से आप लोगों को सीधा अंदर लेके चलेंगे। पहले जूता चप्पल उतार देते हैं, उसके बाद चलेंगे जो बना के, फिर अंदर ही दाखिल होंगे। तो आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाएंगे। ये देखिए भाई लोग, हमारे जितने दोस्त हैं सब साथ में आए हैं, और ये सब दरगाह में जाने के लिए वजू बना रहे हैं, और सबसे पहले चप्पल उतार रहे हैं। चप्पल का 20-20 रुपया लग रहा है जमा करने का। उसके बाद यहाँ पर वजू बनाएंगे। ये देखिए वजू खाना है। 100 रुपया जितवा कै रुपया लेते हैं? 100 रुपया। और कहीं भेजे के का? तो अंदर में जाइए बना लेंगे। चलो मिलन भाई, चलो ले रखी का। हां चलो, हम लोग यूट्यूबर हैं इसलिए वीडियो बना। अरे बना ले मेरे भाई, बमूं बोलाओ। अरे दरगाह की तरफ हम सब प्रवेश कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों गेट के अंदर हम लोग चलते हैं। गेट के अंदर से गाजी सरकार के दरगाह मजार शरीफ के अंदर ही मेन गेट ये है, गाजी सरकार के मजार शरीफ पे जाने के लिए। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे वजू खाने का भी व्यवस्था है अंदर में ही, बाहर लेडीज़ का था। यहाँ वजू खाना भी मतलब कोई भी बना सकते हैं, अभी गर्दी नहीं है तो कहीं भी कोई भी वजू बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा लेडीज़ थी बाहर, तो हम लोग बाहर नहीं अंदर आके बना रहे हैं। पहले वजू बनाते हैं यहाँ से, उसके बाद आप लोगों को मतलब ये देखिए भाई लोग, सब लोग वजू बनाने जा रहे हैं माशाल्लाह। ये निरोज भाई हैं, ये आरिफ भाई हैं, ये मोनू भाई हैं, हम तो वीडियो बना रहे हैं। मेरे जिस तरफ जाए जमाना भी कर देगा। सब दरगाह शरीफ के अंदर आ चुके हैं, तो आदमी कुछ उठा रहे हैं, वजू बना के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए वो चमत्कारी पत्थर है, जो कि हर कोई उठा नहीं पाता है इसे। यहाँ पे पूरा कैमरे का शूटिंग भी दी गया, मतलब फ़ोटो और वीडियो बनाना खींचना मना है। तो यहाँ सभी शहीदों के मजार है, यहाँ पे बताया जाता है जिस हिसाब से बताया गया है। यहाँ शहीदों की मजार है, कुछ उनके ख़ानदान के भी हैं तो कुछ शहीदों के भी हैं। यहाँ पे ये जो चमत्कारी पत्थर है, ये इसे उठा रहे हैं। पहले हम लोग दरगाह के अंदर चलेंगे, उसके बाद आके उठाएंगे। हर कोई इसे उठा नहीं पाता है, किस्मत वाले ही उठा पाते हैं। तो ये है देखिए, हम लोग आ चुके हैं अंदर दरगाह शरीफ के। यहाँ से गाजी सरकार के दरगाह पे अभी चलेंगे, जो कि गाजी सरकार के अभी पहले पत्थर उठाते हैं। ये पत्थर है उठाने वाला, देखते हैं कौन उठा पाता है। उठा लिए बिलाल, तो उठा लिए हैं दोनों के बारे में। तो उठे फिर से कोशिश कर। ऐसे उठा देगा चल, उठा जा, उठा एक बार और कोशिश। तो दोस्तों हम उठा लिए हैं, हम रोज फिर से कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं रोज़।
उठ गया, अमीरों से भी उठ गया। चलो अल्लाह अल्लाह पर भरोसा रखो, बस सब कुछ अल्लाह के तो। दोस्तों हम आ चुके हैं गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हजरत का सैयद सालार गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार पर, जो कि यहाँ पे हम लोग अंदर आ चुके हैं गाजी सरकार के। मेन मजार ये है, गाजी सरकार की मजार शरीफ दरगाह ये है। और यहाँ पे अंदर में चारों तरफ का ये ऐसा कुछ है, अंदर से नज़ारा है गुंबज का, और चारों तरफ फैन भी लगे हुए हैं, लाइट भी लगी हुई है, मतलब सीसीटीवी कैमरा भी अंदर में लगा हुआ है चारों साइड में। ये है गाजी सरकार की मजार शरीफ, आप लोगों को ज़ियारत करा दी है, हम भी ज़ियारत किए, आप भी ज़ियारत कर लीजिए। ये देखिए चारों तरफ से, अब एक तरफ से अंदर में दाखिल होना है, दूसरी तरफ से निकलना है, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़ारा है। देखिए फूल पत्ती सभी कुछ चढ़ाया जा रहा है दरगाह शरीफ पर, और यहाँ पे बॉक्स भी लगे हुए हैं अपने, जितना आप दे सको जितना रख सको आप लोग वहाँ गले में डाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोगों को ज़ियारत करा दिए हैं, अब सीधा निकलते हैं बाहर। बाहर का आप लोगों को कुछ नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ पर्चियाँ भी हैं जो कि मतलब लिखी गई है भूत शैतान के छुड़ाने के लिए। ये बहराइच शरीफ बाबा का दरगाह शरीफ ये है, यहाँ पे छोटे छोटे मजार शरीफ इनके खानदान की हैं, इनके सभी बोलियों के मजार शरीफ है, और मेन सबसे बड़े वाले बाबा वहाँ पे हैं। अंदर चलते हैं, यहाँ पे चूड़ी बुड़ी मन्नत उन्नत मांगने के लिए यहाँ पे सब बांधा गया है। यहाँ पे यहाँ से हम लोग हल्के यहाँ आके निकल चुके हैं, यहाँ पे बाबा का मजार शरीफ भी है। ये देखिए भाई लोग, यहाँ पे सिक्का चिपदाने का आरिफ भाई को मौका मिला है। आरिफ भाई चिपदाइए, देख माशाल्लाह चिपित गया, सुभान अल्लाह ये भी चिपित गया, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो बहराइच के शरीफ बाबा के पीछे, मजार शरीफ के पीछे यहाँ पे मन्नत भी माना जा रहा है। यहाँ पे कौड़ी फेंका जा रहा है, कौड़ी खरीद के बाबा के संदल पे मांगो, जो कि जो कुछ मुरादे हैं वो सब संदल पे फेंकने के लिए। वो सोने का संदल है गुंबज के ऊपर, जो सोने का संदल है, ये कौड़ी उठा के खरीद के कौड़ी बहाना पड़ता है वहाँ पे, कौड़ी खरीदना पड़ता है। मन्नत वाली कौड़ी है, लग गया तो मन्नत आपकी पूरी हो जाएगी, वहाँ तक पहुँच गया। बहुत कम लोगों का पहुँचता है वहाँ पे, देखिए सन्नल में बहुत कम लोगों का लगता है कि सोने पहुँचने को पहुँच जाता, लेकिन सोने के चैनल में बहुत कम लगता है। यहाँ पे रखे हुए हैं खरीद खरीद के, आप लोग यहाँ पे मारिए, आप लोगों का मन्नत जो भी है पूरी हो जाएगी। अरे भाई थोड़ा नज़दीक आइए, थोड़ा नज़दीक नज़दीक, दोस्तों दरगाह शरीफ का पूरा वीडियो हम लोग बना चुके हैं। अभी बिलाल सेल्फी ले रहा है, सेल्फी ले लेते हैं, तो बिलाल सेल्फी ले लिया है दरगाह शरीफ पे। यहाँ पे सनल पे जो भी मारा गया आप लोगों को दिखा दिए हैं, चलते हैं जो जो है बाहर का आप लोगों को दिखाते हैं, और उसके बाद शाम को देखते हैं घर निकलने के लिए।
क्योंकि 4-5 घंटा लग गया था आने में। फिर चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, रात हो जाएगी हम लोग को, अगर इतने टाइम निकलेंगे तो रात में 10 बजे तक पहुँच जाएंगे, या तो फिर देखेंगे अगर जो निकल गए तो, नहीं तो ठीक है, नहीं तो फिर सुबह निकलेंगे। तो दोस्तों मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, तो 5% अभी बचा हुआ है, तो इसको चलते हैं चार्जिंग लगवाने के लिए उस दुकान पे, पता किए वो दुकान दिख रहा है तो उस दुकान पे पता किए, उन्होंने लगा देते हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर घूम के आते हैं, उसके बाद चार्जिंग ले कर चलेंगे। तो दोस्तों चार्जिंग हो चुकी है, फुल हो चुकी है, लगभग 1 घंटे के बाद आए हैं हम लोग, चार्जिंग हो चुकी है। देखिए सब लोग अपना ले रहे हैं, अब निकलते हैं यहाँ से, अभी अनारकली गए नहीं, अनारकली जाना था, रात टाइम ज़्यादा हो गया क्योंकि अभी 200 किलोमीटर जाना है, 6 बज चुके हैं, 200 किलोमीटर चलना भी है, तो इसलिए हम लोग निकलते हैं घर की तरफ सीधा। सभी लोग अपना मोबाइल चार्जिंग कर चुके हैं दरगाह के अंदर से, अभी इस गेट के अंदर से, ये गेट दिख रहा है, इस गेट से अंदर से अब चलते हैं गाड़ी के पास, गाड़ी वहाँ पर खड़ा की है जंजीर गेट की तरफ, वहाँ से निकल के हम लोग चलते हैं सीधा घर की तरफ, क्योंकि रात में हम लोग पहुँचते 10-11 बज जाएंगे पहुँचते ही। तो दोस्तों अब हम लोग का टाइम बहुत हो गया, 6:30 बज चुके हैं, अब घर यहाँ से निकलते हैं, देखो बाहर आ चुके हैं दरगाह शरीफ से, ये सामने सब दुकानें हैं, मतलब हलवा वलवा बेचते हैं, तो इनके इसके पीछे दरगाह शरीफ है, गुम्बज आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, देखिए ऊपर है थोड़ा रोशनी से। तो हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से, सभी लोग खड़े हैं, ये देखिए यहाँ पे मोनू भी है, मोनू छूट जा रहा था, तो अभी चलते हैं, गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी है हम लोगों की, यहीं पे खड़ा कर दिए थे, अभी इतनी गर्दी है नहीं, तो ये सब भी पूरा भरा रहता था, तो ये इस समय हम लोग आए हैं, गर्दी नहीं है तो गाड़ी कहीं भी खड़ा कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि अभी लंबा रास्ता हम लोगों को चलना है ना, तो चलते हैं घर, फिर आप लोगों से मिलते हैं रास्ते में, नहीं तो सीधा घर मिलेंगे, या तो फिर वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। तो दोस्तों अब चल रहे हैं घर, तो आप लोगों को पूरा वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आप लोगों को लेके आएंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।